দর্শক বন্ধুরা, আজ যে ব্যবসার আইডিয়াটি শেয়ার করব, যদি আপনারা এখন এই ব্যবসাটি শুরু করতে পারেন তাহলে আপনারা প্রতিদিন 1.5 থেকে 2 হাজার টাকা ইনকাম করতে পারবেন। ব্যবসাটি হলো সফটি আইসক্রিম তৈরির ব্যবসা। এই ব্যবসা শুধুমাত্র শীতকাল ছাড়া সারা বছরই বেশ ভালোভাবে চলবে, কারণ ছোট বড় সবাই আইসক্রিম পছন্দ করে। সেই জন্য এই আইসক্রিমের চাহিদা সারা বছর থেকে যায়। সেই জন্য আপনার যদি কোনো দোকান থাকে অথবা যে কোনো ধরনের ব্যবসা থাকে, তার সঙ্গে আপনারা এই ব্যবসাটি করতে পারবেন। এই ব্যবসাটি করার জন্য একটি মেশিন, অর্থাৎ এই সফটি আইসক্রিম তৈরির মেশিন কিনতে হবে। আপনারা ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন মেশিনটি কেমন। যদি আপনাদের কোনো দোকান না থাকে তাহলে আপনারা কোনো ই রিক্সা বা সাধারণ রিক্সার সাথে ইনভার্টার যুক্ত করে এই মেশিনগুলি সেট করতে পারবেন। তাহলে আপনারা বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে আইসক্রিম সেল করতে পারবেন। বন্ধুরা, এবার তাহলে দেখে নেওয়া যাক এই মেশিনটি কেমনভাবে কাজ করে বা এই মেশিন থেকে কিভাবে আইসক্রিম তৈরি করা হয়। দোস্ত, আজ মে আপকো সফটি আইসক্রিম মেশিন কা ডেমো দিখাউঙ্গি, তো বিনা স্কিপ কিয়ে ভিডিও কো পুরা দেখিয়ে। ये हमारा 2+1 सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन फ्लोर मॉडल है। दोस्तों, इस मशीन को चलाना बहुत ही आसान है। मशीन को चलाने के लिए वोल्टेज 220 से 250 के बीच में होना चाहिए। इस मशीन में हमें दो हॉपर दिए गए हैं, जिसमें एक हॉपर भरने के लिए आपको 4 लीटर मिल्क एंड 1 kg प्रीमिक्स चाहिए। इन टोटल दोनों हॉपर भरने के लिए आपको 8 लीटर मिल्क एंड 2 kg प्रीमिक्स चाहिए। तो चलिए आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्रीमिक्स रेडी करने के लिए सबसे पहले आपको दो बड़े बाउल चाहिए, जिसमें आप प्रीमिक्स को मिक्स करेंगे। और साथ में आप कोई भी हैंड मिक्सर ले सकते हैं प्रीमिक्स एंड मिल्क को मिक्स करने के लिए। मैं यहाँ पे फूड मिक्सर ले रही हूँ प्रीमिक्स एंड मिल्क को मिक्स करने के लिए। दोस्तों, आप इस मशीन में दो अलग अलग फ्लेवर डाल सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे चॉकलेट एंड वनीला फ्लेवर लिया है। तो फ्रेंड्स, अब मैं बाउल में मिल्क एंड प्रीमिक्स डाल के मिक्स कर लूँगी। हमने प्रीमिक्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अभी हॉपर में डालने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो मैं राइट हॉपर में चॉकलेट फ्लेवर डाल रही हूँ। एंड लेफ्ट हॉपर में वेनिला फ्लेवर डाल लूंगी। आपको मशीन के डिस्प्ले में दिखना है, तो आइए मशीन के डिस्प्ले में देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्ले में हमें 6 कीज दी हुई हैं, सेट, ऑटो, क्लीन, टाइम, पफ एंड फ्री कूल। हम ऑटो बटन प्रेस करके मशीन को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, ऑटो बटन प्रेस करते ही हमारी मशीन स्टार्ट हो जाएगी। मशीन स्टार्ट होने के बाद आप देख सकते हैं डिस्प्ले में साइड में हमें वोल्टेज दी हुई है, जो कि 220 से 250 के बीच में होनी चाहिए। और ये मशीन की सेट हार्डनेस दी हुई है कि कितने हार्डनेस पे हमें आइसक्रीम निकालनी है। और ये मशीन की करंट हार्डनेस है। दोस्तों, जब मशीन की सेट हार्डनेस एंड करंट हार्डनेस इक्वल हो जाती है, तो मशीन कूलिंग एंड घूमना बंद कर देती है, तब हम आइसक्रीम निकाल सकते हैं। स्टार्टिंग में मशीन को ठंडा होने के लिए 8 से 10 मिनट का टाइम लगता है, तो हम मशीन को 10 मिनट का टाइम देंगे, उसके बाद हम आपको आइसक्रीम निकाल के दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा वेनिला एंड चॉकलेट फ्लेवर है, आप इसकी हार्डनेस देख सकते हैं एंड खाने में भी काफी टेस्टी है। तो फ्रेंड्स, आप अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या आप अपनी शॉप या रेस्टोरेंट में मशीन लगाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। हमारे ब्रांचेस अहमदाबाद, सूरत, कोलकाता एंड दिल्ली में है। एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। एंड फ्रेंड्स, आप हमारी ऑफिस में विजिट करके मशीन का लाइव डेमो भी देख सकते हैं। और अगर आप ऑफिस में विजिट नहीं कर सकते हैं, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9903773471। तो फ्रेंड्स, आप हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं या मशीन रिलेटेड अदर इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, जिसमें आपको मशीन
की फुल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी एंड वीडियो कॉल पे भी आपको लाइव मशीन दिखाई जाएगी। तो फ्रेंड्स देर किस बात की, जल्दी से कॉल कीजिए एंड ऑर्डर कंफर्म कीजिए। हमारी कंपनी पेन इंडिया में मशीन सप्लाई करती है, तो आप किसी भी लोकेशन से हो मशीन आपके एड्रेस पर डिलीवर कर दी जाएगी। তাহলে বন্ধুরা দেখলেন এই মেশিনের সাহায্যে কিভাবে আইসক্রিম তৈরি করা হয়। যদি আপনারা এই মেশিন কিনে ব্যবসা করতে চান তাহলে ভিডিওতে দেওয়া নম্বরে কন্ট্যাক্ট করে যোগাযোগ করুন এই মেশিন সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত জানার জন্য। এই মেশিনগুলো মিনিমাম 60,000 টাকা থেকে 1.5 লক্ষ টাকার মধ্যে বিভিন্ন ক্যাপাসিটির মেশিন পাওয়া যায়। আজ তাহলে এখানে শেষ করছি, আবার দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে নতুন কোনো বিষয়ে। এই ভিডিও বিষয়ে কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট বক্সে জানাবেন, অবশ্যই রিপ্লাই দেওয়া হবে। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য ধন্যবাদ।